अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अवैस। आपको हमारे चैनल राना जी फॉर यू में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐप को टू टाइम्स कैसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप हम फ्रेंड्स एक दफ़ा अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, अगर आप चाहें कि आप दो व्हाट्सएप को एक साथ अपने फ़ोन में यूज़ करें तो ये कैसे होगा। या फिर फेसबुक हम एक दफ़ा अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, अगर आप चाहें दो फेसबुक एक साथ यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ होंगी, दो बार फेसबुक कैसे इंस्टॉल होगी। या आपकी कोई भी गेम है आप उसे दो बार इंस्टॉल करना चाहते हैं, या कोई भी दूसरा ऐप। चलें फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। इसमें फ्रेंड्स आप सर्च में लिखें पैरेलल स्पेस। फ्रेंड्स ये लिख के आप सर्च कीजिए। ये देखें फ्रेंड्स मेरे पास टू टाइम्स आ चुका है पैरेलल स्पेस, एक ये पैरेलल स्पेस। फ्रेंड्स जिनके मोबाइल की रैम अच्छी है 1 GB से ज़्यादा है वो ये वाला ऐप इंस्टॉल करेंगे पैरेलल स्पेस, और जिनके मोबाइल की रैम थोड़ी कम है या स्लो चलता है जिनका मोबाइल वो ये इंस्टॉल करें पैरेलल स्पेस लाइट वर्जन। इससे ये आपके मोबाइल में बड़े आसानी से चलेगा और मोबाइल को हैंग भी नहीं करेगा। मैंने अपने फ़ोन में फ्रेंड्स ये इंस्टॉल किया हुआ है, अब मैं आपको इसे ओपन करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स ये बिल्डिंग पैरेलल स्पेस कह रहा है, ये थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। इससे हम अपने फ़ोन में कोई भी ऐप को दो दफ़ा चला सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स स्टार्ट का बटन आ चुका है, अब स्टार्ट दबा दीजिए। ये देखें फ्रेंड्स इसने मेरे सारे के सारे ऐप्स यहाँ पे शो कर दिए जो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हैं। यहाँ से आप वो ऐप सेलेक्ट कर लें जिन्हें आप टू टाइम्स अपने फ़ोन में चलाना चाहते हैं। मसलन मैं फेसबुक और व्हाट्सएप आपको चेक करवा देता हूँ दो दफ़ा चला के। आप सेलेक्ट करके ऐड टू पैरेलल स्पेस प्रेस कर दीजिए। ये देखें फ्रेंड्स मेरे पास ये ऐड हो चुके हैं टू टाइम्स। मैसेंजर भी इसी का हिस्सा है इसलिए इसने ऑटोमेटिक इसे ऐड कर दिया है। ये देखें फ्रेंड्स एक बार फेसबुक मेरे पास नॉर्मली अपने फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है मैंने, जिसमें मैंने अपनी आईडी भी ऑन की हुई, लॉगिन है मेरी आईडी। ये देखें फ्रेंड्स अब मैं आपको दूसरी बार यही फेसबुक उस ऐप के थ्रू ऑन करके दिखाता हूँ। आप अपने पैरेलल स्पेस को ओपन करेंगे, इसके बाद हम इस फेसबुक को यहाँ से ऑन कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स ये कह रहा है स्टार्टिंग फेसबुक। ये देखें फ्रेंड्स मेरे पास ये फेसबुक दूसरी बार ऑन हो चुकी है, जिसमें वो मुझे लॉगिन होने के लिए कह रहा है। यहाँ पे मैं अपना एक अकाउंट लॉगिन करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स मेरी दूसरी फेसबुक स्टार्ट हो रही है। दूसरी फेसबुक में मैं अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन करने जा रहा हूँ। इससे फ्रेंड्स ये है कि आपके पास जो भी फेसबुक की नोटिफिकेशन आएंगी अगर आपकी दूसरी फेसबुक की आईडी से होंगी तो वो भी ऊपर आ जाएंगी, और अगर इससे होंगी तो उन पे साइड पे साथ में पैरेलल स्पेस का निशान होगा बना हुआ, जिससे आप पहचान लेंगे कि मेरी ये किस आईडी से नोटिफिकेशन आई है। आपको दोनों की आईडियों की नोटिफिकेशन भी आएंगी। ये थोड़ी देर में फ्रेंड्स लॉगिन हो जाएगा, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा वक्त लगा रहा है। ये देखें फ्रेंड्स मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है। ये देखें मेरी दूसरी आईडी इसी मोबाइल के ऊपर लॉगिन हो चुकी है, और जबकि एक आईडी मेरे पास वहाँ पे लॉगिन है। इसी तरह फ्रेंड्स आप व्हाट्सएप को अगर चाहें दो दफ़ा चलाना तो उसे भी चला सकते हैं। यहीं से आप व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। ये देखें फ्रेंड्स एक व्हाट्सएप मेरे पास वैसे चल रहा है पीछे एंड्रॉयड फ़ोन में, और एक व्हाट्सएप हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये मुझे फिर लॉगिन होने के कहेगा क्योंकि एक नया व्हाट्सएप ऑन होगा। ये देखें फ्रेंड्स वेलकम टू व्हाट्सएप, जबकि मेरे पास एक व्हाट्सएप पहले ही मौजूद है जो कि लॉगिन भी है आईडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मैं आपके लिए नई से नई वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ओके।